हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल आइडियाज़। हमारा आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लेथ मशीन पे स्लॉटिंग अटैचमेंट लगाकर आपको दिखाने वाले हैं। पहले हमारी कीवे कटिंग अटैचमेंट को की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि स्लॉटिंग ऑन लेथ मशीन की अटैचमेंट का वीडियो कब आ रहा है, तो आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं, इनको यूज़ करके मैं एक अटैचमेंट बनाकर दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको, आप अच्छी तरह देख लीजिए, सिर्फ यही चीज़ें, ये कुछ नट बोल्ट्स और एक गियर बॉक्स, एक मोटर को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले ये जो ढांचा है ये हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। बाद में आपको हर चीज़ अच्छी तरह से दिखाएंगे, कैसे कैसे बनाया है अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ये जो लेथ मशीन है, इस पे हम ये अटैचमेंट फिट करने वाले हैं, ये सब पार्ट्स पे लगाकर एक अटैचमेंट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लगाना है, कैसे इसको फिट करना है। तो ये जो ढांचा है आप देख सकते हैं, ये हमने कैसे बनाया है। इसके नीचे ये वी शेप इस बेड पे चलने के लिए, और ये इस तरह से बेड पे फिट होएगा, बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये फिट हो जाता है। और इसमें हमने ये जो सीधी प्लेट, एक प्लेट लगाई है, इस पर हमने सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट दी है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं है, इसमें लाइट वेट बनाया गया है। ये लगभग 8 mm मोटी प्लेट है, और ये प्लेट भी इसी तरह की प्लेट है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कैसे बनाया है मैंने, और इसको इस पे फिक्स करने के लिए ये दो प्लेट्स हैं, देख सकते हैं आप। ये ऐसे नीचे से लगा के इस पे बोल्ट से क्लैंप कर देंगे इसको, तो ये फिक्स हो जाएगा। ये दो बोल्ट, ये देख सकते हैं आप प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, इसके नीचे से एक आगे और पीछे बोल्ट से इसको अच्छी तरह से क्लैंप हो जाएगा ये हमारे लेथ मशीन पे, बेड पे। जिस बेड पे सेंटर चलता है वो बेड हमने यूज़ किया है, और ये देखिए आप कहीं भी इसको एडजस्ट करके कहीं भी क्लैंप कर सकते हैं। ये प्लेट्स हो गई, और एक लगेगा हमारा ये गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, ऐसा गियर बॉक्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये गियर बॉक्स लिफ्ट वगैरह में यूज़ होने वाला गियर बॉक्स है, ये छोटा मॉडल है उसका। ये इधर ऐसे इस तरह से फिट होगा, यहाँ पे 4 शेक किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसमें वोल्ट्स की मदद से इसको यहाँ पे क्लैंप कर देंगे। और इसकी ये प्लेट मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं ये फेस कर किया है इसका, ये देख सकते हैं आप, इस साइड पे ये प्लेट बनेगी, और इसमें अलग अलग शेक किए गए हैं, और थ्रेड है इसमें 12 mm की थ्रेड है इसमें, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इस तरह से। और ये जो मोटर है, मोटर को इधर, ये आप स्टड्स देख सकते हैं, इन स्टड में मोटर को फिट करेंगे। और मोटर हाफ एच पी की मोटर है, बिल्कुल लाइट वेट जो अटैचमेंट है हम बनाने वाले हैं, जिसको आसानी से उठा के हम इधर उधर भी रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट है जो हमने तैयार कर ली है, इसमें इधर मोटर लगाई गई है, इधर ये गियर बॉक्स है, और ये फेस प्लेट है, और इसमें दोनों तरफ पुलिस जो डाल के बेल्ट से इसका जो इसको पावर दी गई है। तो इसका ये जो अटैचमेंट है, इसको हम अब इस लेथ मशीन से जो कनेक्शन है इसका, वो बना के आपको दिखाने वाले हैं कि इसका कैसे लेथ मशीन से कनेक्शन होगा और ये कैसे काम करने वाला है। तो उसके लिए हम इसका ये जो क्रॉस स्लाइड है, इसका बोल्ट जो है वो हम निकाल देंगे। इसका जो बोल्ट है ये हम इसको निकाल देंगे,
ये देख सकते हैं आप, हमने इसका रबर निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने दो इसके एक्स्ट्रा जो होल्स बनाए हैं और उसमें थ्रेड डाली गई है, दो एक्स्ट्रा होल्स बनाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्लेट, ये जो एंगल है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से चार बोल्ट के साथ इसको अच्छी तरह से इस पे फिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह टाइट करके। ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया और इसका बोल्ट निकाल देने की वजह से अब ये ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं इसका बोल्ट ना होने की वजह से अब ये किधर भी मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं इसी स्लाइड को हम स्लॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसको हमने फ्री कर दिया, इसका जो बोल्ट है वो निकाल दिया है और इसके लिए ये देख सकते हैं आप दो होल दिए गए हैं। ये एक है पिन तैयार की है मैंने, देख सकते हैं आप इस होल में फिक्स कर देंगे इसको, नीचे से बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। हो गया वो इस तरह से इसको हम इसे अटैच कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये एक पाइप यूज़ किया गया और इधर एक गोली फिट की गया है, जैसे कि ट्रैक्टर के टॉप लेग में गोली होती है वैसे ही इसमें गोली फिट की गया है और इधर एक बैरिंग फिट किया गया। ये गोली इसलिए है ताकि इसमें जो भी हलचल हो, वो मूवमेंट जो भी हो, वो इस गोली की वजह से ये कैसे भी मूवमेंट कर सकता है। तो इसको हम इधर से बोल्ट के साथ आप देख सकते हैं ये 12 mm का बोल्ट है। ये जो वार्शल है इसको हम नीचे लगा देंगे ताकि ये प्लेट से घिसे नहीं, थोड़ी ऊंचाई पे रहे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो अटैचमेंट है बिल्कुल रेडी है। ये कैसे काम करने वाला है देखेंगे, को पावर दे के देखते हैं इसको, ये चल रहा है। हाँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो है हमने इसको अटैचमेंट को लगा लिया है और इसको यूज़ कैसे करना है और हम आपको ये सिखाएंगे और इसको यूज़ करके दिखाएंगे। जिस भी जॉब में आपने कीवे करना है उसको हम इस तरह से चक में क्लैंप कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये प्लेट चक में क्लैंप किया है, इसमें कीवे करके दिखाएंगे और ये कितना लंबा आपने कीवे करना है वो इस प्लेट के होल पे डिपेंड करता है। ये जो है इसकी जिस होल में अभी मैंने इसको फिट किया है इसमें 3 इंच तक का ये कीवे कर सकता है और इधर 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और इधर इसके नीचे होल है इस पर 7 इंच तक ये जो है इस अटैचमेंट से हम कीवे कर सकते हैं। इन होल्स की मदद से हम इसको कम या ज़्यादा इसकी जो है कटर कीवे करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं आप कि ये जो पूरा अटैचमेंट है हमने लगा लिया है और जॉब को चक में क्लैंप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से लॉक लगा देंगे चक को। इसको लॉक करने के बाद हम इस अटैचमेंट को भी पावर देते हैं
और आप सबको दिखाते हैं कि ये कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। और ऐसे जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जॉब में आप इस तरह से बहुत ही अच्छा कीबेस जुगाड़ से कर सकते हैं। और इस अटैचमेंट की बहुत खासियत जो बात है वो ये है कि इससे आप टेप पर जो बोर करते हैं, किसी भी पुली का टेप पर बोर करते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको टेप पर कटर निकाल सकते हैं, टेप पर कीबे उसके अंदर कर सकते हैं, जो कि हर मशीन पर मुमकिन नहीं होता। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसको किसी भी टेपर पे सेट करके, इसको हमने मैंने ये देख सकते हैं आप टेपर पे सेट कर लिया है। और अब हम इसको पावर देंगे, तो इस तरह से आप इसमें टेपर जो कीवे है वो भी कर सकते हैं, आप इसमें टेपर कीवे कर सकते हैं। और बहुत ही लाइट वेट जो अटैचमेंट है मैंने बनाई है, ये देखिए, कोई भी इसको आसानी से उठा के इसको इधर उधर रख सकता है। और कभी भी हम इसको सिंपल लेथ मशीन की तरह इसको ये बोल्ट लगा के फिर से काम कर सकते हैं। आपको मेरी अटैचमेंट कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, सब्सक्राइब करें, प्यार देने के लिए धन्यवाद।